नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश, पीडीएस लाइव इवेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं, जिसके बारे में जानना आप सभी को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जानकारी आपको है तो शायद आप किसी भी तरह के मोबाइल नंबर या मोबाइल से हो रहे फ्रॉड से आप अपने आप को बचाने में शायद सक्षम होंगे। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके नाम से या आपके आईडी से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। दोस्तों, ये जानना क्यों ज़रूरी है, तो ये आपको पता है, आपको भी या आपके किसी भी फैमिली मेंबर या सगे संबंधी किसी के पास मोबाइल नंबर से आए दिन बहुत तरह के कॉल आते हैं। उसमें आपको एग्ज़ाम के नाम पे या नौकरी दिलाने के नाम पे या किसी भी तरह की लॉटरी के नाम पे कि आपको इतने रुपए का लॉटरी लगा है, तो इन सारे चीज़ों के नाम पे आपसे पैसे ठगने की कोशिश की जाती है। तो आप खुद समझिए और ये समझिए कि क्या आप खुद अगर ऐसा करने की सोचें तो क्या आप अपने मोबाइल नंबर जो कि आपके खुद के आईडी से आपके नाम से चालू है, क्या उस मोबाइल से आप किसी को कॉल करके किसी भी तरह की धमकी हो या किसी तरह का डिमांड हो या किसी तरह की नौकरी पैसे की बात हो कि हम तुम्हारा यहाँ नौकरी करा देंगे, इतना पैसा दो, या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आदमी आए दिन अभी तक में करते आया है, जो उस फील्ड से रिलेटेड है, जो उस फील्ड से जुड़ा है कि किसी न किसी को किसी तरह से ठगते रहना है या किसी न किसी तरह से किसी के साथ स्कैम करना है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका मोबाइल आपके ही नाम से, आपका सिम है, आपका मोबाइल नंबर है, तो क्या आप किसी को भी कॉल करके किसी को कुछ आप अनाप शनाप या गाली गलौज या किसी तरह की धमकी या कोई डिमांड कर पाएंगे क्या? हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि आप भी इस बात को जान रहे हैं और वो स्कैम करने वाला भी इस बात को जान रहा है कि अगर वो किसी भी तरह से अपने नाम के मोबाइल नंबर या अपने आईडी से निकला हुआ मोबाइल नंबर से वो किसी को भी कॉल करता है और वो इंसान अगर थाने में उसके खिलाफ केस या FIR रिपोर्ट करता है तो पुलिस उसको ट्रेस करके उसको इजीली पकड़ सकती है। इसलिए हर इंसान को ये जानना चाहिए कि उसके आईडी या उसके नाम से कितने मोबाइल नंबर अभी चल रहे हैं, कि एक आदमी दूसरे दूसरे इंसान के आईडी से निकाले हुए सिम से तरह तरह के फ्रॉड कर रहा है और तरह तरह का स्कैम कर रहा है। उसमें क्या होगा कि अगर उस मोबाइल नंबर पे केस करता है सामने वाला जो कि उस फ्रॉड के शिकार हो चुका हो, तो वो पुलिस ट्रेस करेगी नंबर, तो वो जो इंसान फ्रॉड किया है, जो इंसान कॉल किया, उसको नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि वो मोबाइल नंबर उस इंसान के आईडी पे नहीं है जो कॉल किया है, वो मोबाइल नंबर किसी अनजान इंसान के नाम पे है जो अनभिज्ञ है इस चीज़ से कि उसके नाम से और भी मोबाइल नंबर चालू हैं। तो इस तरह के स्कैम होते रहते हैं और ये आम बात है, तो इसलिए आपको इसके विषय में सतर्क रहना है, आप जागरूक रहिए। और भारत सरकार ने खुद एक ऑफिशियल वेबसाइट इसीलिए लॉन्च किया है खुद ये जांच सकें कि आपके नाम या आपके आईडी से कितने मोबाइल नंबर चालू हैं। उसमें ये भी तरीके बताए गए हैं कि कैसे आप उसको बंद कर सकते हैं या आपके यूज में नहीं है उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अन्य जानकारी वाली वीडियो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इस तरह कि जानकारी से अपने सगे संबंधियों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो उन तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करके ये जान सकें, ये देख सकें कि किनके नाम पे कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उनके आईडी से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ वो प्रोसेस। अपने मोबाइल से चेक करेंगे, अपना मोबाइल खोल करके मैं ये आपको टच किया, क्रोम ब्राउजर में जा करके मैं सर्च कर रहा हूँ TAFCOP टैफ कॉप। आप वो इसको पूरा एंटर कर सकते हैं या फिर इसको आप टच करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका खुल गया ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट का देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। ये भारत सरकार का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। ये इसका फुल फॉर्म हुआ टेफकॉप का, टेलीकॉम एनालिसिस फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। और ये देखिए कहाँ कहाँ ये भारत के किस किस राज्य में अवेलेबल है इसका सर्विस, वो दिखा रहा है। तो देखिए, करेंटली दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली टू आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख,
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। तो इसमें ये अभी अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। और इसका और भी सारा ये जो है जो भी गाइडलाइंस हुए वो नीचे तक ही आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे देर ना करते हुए मैं इसमें आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ कैसे आप चेक करेंगे। तो ये देखिए, मैं अपना मोबाइल नंबर, खुद का अपना मोबाइल नंबर मैं एंट्री करता हूँ इस जगह पे। और इंटर करने के बाद मैं जनरेट या रिक्वेस्ट ओटीपी का यहाँ ऑप्शन है, रिक्वेस्ट ओटीपी में मैं कर दिया और ये ओटीपी आ गया मेरा। अब देखिए मैं ये ओटीपी अब डालता हूँ, ये ओटीपी मेरा डल गया। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट पर मैं क्लिक करूँगा। तो वैलिडेट पर आप क्लिक करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ये आपका आ गया क्वेश्चन कि क्या करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यू मे चूज टू सिलेक्ट द नंबर दैट आर नॉट इन योर नेम और नॉट रिक्वायर्ड एंड सबमिट योर रिपोर्ट। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द नंबर यू नीड टू रिटर्न। यानी इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो भी नंबर दिए हुए हैं उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो आपके नाम पर है लेकिन आपके यूज में नहीं है। आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उसका रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, उसमें आपका आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मोरेम नाम से कितने मोबाइल नंबर अभी तक एक्टिवेट हैं और उसका लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप देखिए, ये एक हुआ, दो हुआ और ये तीन, टोटल तीन मोबाइल नंबर मेरे नाम से एक्टिवेट हैं जो चल रहे हैं और ये रियल में मेरे ही पास हैं। अगर मुझे इसमें से किसी भी मोबाइल नंबर को ऐसा लगता है कि मेरे नाम से नहीं है तो हम उसे टिक करेंगे और टिक करके इसमें से जो मुझे लगेगा कि दिस इज नॉट इन माई यूज या नॉट रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड, जो भी हैं ये तीनों ऑप्शन में जो चीज़ आप चाहें रिक्वायर्ड अपने अनुसार टिक करके आप नीचे सबमिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। और रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपका जो भी कंप्लेन है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और उस पर जो भी इस टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो एक्शन लेंगे और आपके नाम से उसको हटा देंगे। तो आप इसको लॉग आउट कर लें और लॉग आउट करके फिर आप खुद ये स्टेप वाइज स्टेप आप फॉलो करें और स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करके आप खुद ये चेक कर लें, जांच कर लें कि आपके नाम से या आपके आईडी से कितने मोबाइल नंबर चालू हैं और उसमें जो भी आपको लगे कि आपके नाम से नहीं है उस पर आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आगे की जो भी प्रक्रिया है उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट देंगे, मैं आगे भी आपकी हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए जो इस तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फ्रॉड से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के उसको आप बतावें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड हर जानकारी अच्छी तरह से दे पाऊँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।